पूरी दुनिया में इनकी थू थू हो रही है, अमेरिकन कौंसिल थू थू कर रहा है, यूएनए में हमारी आवाज उठाई जा रही है, गलत है पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन ये बावले सुधरने को तैयार नहीं। भाई बिल लाएंगे, बिल लाएंगे, बिल लाएंगे। ये कहते हैं हम भगोड़े हैं, पाकिस्तान से है, यहाँ से है, वहां से है, तो हमारी फौज का धनिया काट रही है सरहद पे, यानी हम पैसे दे दे कर भैया साइड में हो जरा हिंदुस्तान में घुस जाऊं, ऐसा कर कर आए थे हम। 56 इंच का सीना इसका चौड़ा होता है, सेना हमारी मरती है, पुलवामा अटैक करवा देता है फर्जी, कहता है नहीं पाकिस्तान ने भेजा था, पाकिस्तान का कबूतर नहीं आता, और 360 किलो RDX आ जाती है। जब तू चल चाय वाला है तो तुझे संविधान की क्या तमीज, मेरी गली के नुक्कड़ पे चाय वाला बैठता है उसको तो कुछ नहीं पता संविधान का, तूने संविधान को हमारी ऐसे बना दिया केजी क्लास का, इसने संविधान को ऐसा बना दिया केजी क्लास का बच्चा नहीं होता है, होमवर्क करता है, अम्मा खराब हो गया फाड़ दूं, हाँ बेटा फाड़ दे फाड़ दे, ये संविधान को फाड़े जा रहा है ऐसे करके। तो ये भीमराव अंबेडकर का कानून है, तेरे बाप की होमवर्क की कॉपी थोड़ी हम फाड़ने देंगे, दिखा फाड़ के, नहीं फाड़ने देंगे हम, मर जाएंगे लेकिन फाड़ने नहीं देंगे संविधान, संविधान बचाने निकले हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अमन रिजवी इस वक्त आपके सामने हूँ। मैं कोई इतनी ख़ास नहीं थी, शायद आप लोगों ने मुझे ख़ास बना दिया, या अल्लाह ताला का रहम है कि उसने मुझे ख़ास बना दिया। हाँ मैं इनकलाबी खून थी, मैं जुनूनी खून थी, मैं खुराफाती खून थी, क्योंकि मैं एक फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ। मैं पहले से बताती आ रही हूँ कि मेरे दादा परदादा जो हैं इसी भारत को बचाने के लिए कुर्बान हो गए थे, तो मैं अपने पापा से कहती थी पापा मैं क्या करूँगी, हिंदुस्तान तो आज़ाद है, मुझे भी मरना था इसके लिए, तो पापा तो बेचारे अब चले गए दुनिया में नहीं है, और मेरे लिए गोल्डन चांस आया है कि मेरे पास भी अब ऑप्शन है खुला हुआ कि मैं भी इस पर कुर्बान हो जाऊं, और मुझे पूरी उम्मीद है मैं होऊंगी, मैं मरने के लिए पूरी तैयार हूं, लेकिन भारत को बचा के जाऊंगी। तो आप जिस तरह देख रहे हैं मैं बनी हुई हूँ, 14 तारीख से ही बनी हुई हूँ, और सारे लोग जानते हैं मेरे पे अब तक 7 मेजर हमले हो चुके हैं, 7 बार मेरे पे अटैक हो चुके हैं, RSS मेरे आगे आगे मैं पीछे पीछे, तो मतलब हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो मैं उनसे नहीं डरती, मैं अपने सुप्रीम खुदा से डरती हूँ, तो आप जितना मुझे डराएंगे मैं और आगे, क्योंकि मैं कहती हूँ डर के आगे जीत है। तो हम तो एक खुदा वाले हैं, एक जन्म वाले हैं, हमें तो कल भी मरना है, तो हम क्यों ना अपनी मौत को यादगार बना कर जाएं? हम तिल तिल मरेंगे, पल पल मरेंगे, डिटेंशन कैंप में मरेंगे, तो क्या ही अच्छा है हम अब सड़कों पर मर जाएं, कम से कम भारतीय तो होंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी, आप जिस तरह यहाँ पर आते हैं आए एक के साथ दो लाएं, आप भीड़ मत बनिए, अगर आप तमाशाबीन बनने आ रहे हैं तो आप अपने घरों को जाइए, किसी को जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों की, लेकिन अगर आप झांसी की रानी बनकर आ रहे हैं, रजिया सुल्ताना बनकर आ रहे हैं, भगत सिंह बनकर आ रहे हैं, अशफाक उल्ला बनकर आ रहे हैं, तो आपका इस्तकबाल है इस मंच पर, क्योंकि आप सब भारत को बचाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर बिरयानी नहारी तारी नहीं चल रही, जैसे गोदी मीडिया परेशान है, बिरयानी खिलाई जा रही है हमें 70-75 दिनों से, है ना, हम मुसलमान बिरयानी वाले हम थके भी नहीं बिरयानी खा खा के, पर वो खिलाई जा रही है। पहले आप देखे हर बात पे पाकिस्तान, मोदी जी हो गया पाकिस्तान, मोदी जी GDP खत्म पाकिस्तान, मोदी जी किसान खुदकुशी कर रहा है पाकिस्तान, मोदी जी एजुकेशन महंगी हो गई पाकिस्तान, मतलब कोई भी बात करे पाकिस्तान पाकिस्तान होता था, अब पाकिस्तान तो ये बन गया शाहीन बाग में, आप बेचारे इतनी दूर क्यों जाएं, आप कोई भी बात पूछे मोदी जी शाहीन बाग, मोदी जी शाहीन बाग। तो ये बावलों की सरकार है, मैं वेरी फर्स्ट डे से कहती आ रही हूँ, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, व्हाट्सएप एजेंडा चलाते हैं, 360 रुपए का रिचार्ज कराया, इनका दिमाग भी जियो की तरह है, कभी टावर आते हैं कभी जाते हैं, ये बावलों की सरकार है, इनसे ज्यादा काबिल आप हैं, ये हमें टेंट हाउस वाली कहते हैं, हमें बावली कहते हैं कि हम पर्दा नशीन है, हमें अकल नहीं है, तो मैं कहती हूँ आप बावलो हमसे ही डिबेट कर लो, हमसे ही कर लो, एक अहमद रिजवी से ही कर लो, मैं तो जाहिल हूँ, चलो मैं अंगूठा छापू, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ भाई, आप मुझसे ही कर लो डिबेट, मैं ही आपको हरा दूंगी, कितना बड़ा कद्दावर नेता बीजेपी का मेरे सामने लिया है, मुझसे डिबेट करे और मुझे समझाए इस बिल की नौयत के बिल है क्या, ये कह रहे हैं कि नहीं हम नागरिकता देंगे, अबे जाहिल जो नागरिक है उनको तो कहते नागरिक है वो, बाद में तू देना, तू कह रहा हम पाकिस्तान से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, वहां से लाएंगे, पाकिस्तान वाले बावले हैं लुटवाने के लिए बेटियां लाएंगे तुम्हारे से, तुम्हारे हिंदुस्तान में भारतीयों में, हमारे भारत में हर 2 मिनट में एक रेप होता है, उनको तो आपने कोई जस्टिस दिया नहीं, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे वो कटवा कांड हो, आप देखे किसी को इंसाफ मिला, तो फिर पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ पर आके क्या करेंगी, लुटने के लिए आएंगी, तो यह बेवकूफ बनाना छोड़े, जैसे कह रहे हैं नहीं भाई हम तो मुसलमानों के फेवर में हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं,
उसका उदाहरण आप देखिए, अभी नॉर्थ दिल्ली में इन्होंने क्या करा, कितनी बुरी तरह इन्होंने मारा है, काटा है, कम से कम 5,000-10,000 मुसलमान ही, कम से कम 12,000-15,000 मुसलमान कटा है। मैं ग्राउंड रियलिटी देख कर आई हूँ, वहां पर क्या करा है, एक शिफ्ट बिहार में 3,500 मुसलमान कटे हैं। तो आप ये मत सोचिए 200-250 मरे, नहीं 12,000-15,000 मरे। आप सवाल करिए, जब मुसलमानों के 5,000 मकान जला दिए गए तो 5,000 के वो लोग कहां गए? मुसलमानों को आपने चुन चुन के मारा, उनका बिजनेस खत्म कर दिया, उनकी दुकानें जला दी। पहले आपने घरों को लूटा, आपने दुकानों को लूटा, उसके बाद आपने चिन्ह करा कि अगर 20 हिंदुओं के मकान में एक मुसलमान का मकान था तो आपने जला दिया, यानी आप टेरर की राजनीति कर रहे थे। तो आप टकलू से आप सवाल करें, ये कह रहा है कि वो 5,000 के जो मकान इन्होंने हमारे जलाए हैं, तो क्या पहले सायरन बचाया था? अपनी अपनी आइडिया निकाल लो, मकान जलाने आ रहे हैं तो उनकी आइडिया तो खत्म हो गई, अभी टकलू बना के देगा उनकी आइडिया, कहां से आएंगी? तो ये बेवकूफ बनाना बंद करें, पूरी दुनिया इन पे थू थू कर रही है लेकिन ये भावले सुधरने को तैयार नहीं है। वो टकलू नंबर 2 योगी कहता है मुसलमान की औरतों को कब्र में से भी निकाल के रेप कर लो। इतने कद्दावर नेताओं के इतना गलत गलत बयान देते हैं। वो से भी बड़ा भावला, उसको देखो, उसने होर्डिंग लगा दी, जो मेरी तरह सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने भी आवाज उठाई सबकी, उसने होर्डिंग लगा दी कि भाई इसका एड्रेस ये है, जो लड़कियों को उठा लो, लड़कों को उठा लो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप ऐसा नहीं कर सकते, उसके बावजूद ये हुकूमत, इनके जितने भी MLA वगैरह दादागिरी पे उतरे हुए, अगर ये कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो VIP ट्रीटमेंट, हम कहते हैं भैया मोदी हमारी सुन, पकड़ के जेल में, चलो भाई आतंकवादी डाल दो। तो इस तरह नहीं होगा। आप जिस तरह बैठे हुए अपने जज्बे के साथ आए, आप ये सोचें कि आप मौत का मुकाबला करने जा रहे हैं, आप संविधान बचाने जा रहे हैं। आप सबसे कहिए हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम यहाँ पर बिरयानी खाने नहीं आए, हम तो जीने के लायक खाते हैं। अरे मेरा 7 किलो वजन कम हो गया, मैंने खाना खाना छोड़ दिया, मुझे नहीं मालूम मुझे कब खाना मिलता है, पूरे दिन पागलों की तरह फिरती रहती हूँ, भटकती आत्मा बना दिया मुझे NRC ने। तो जब मैं निकल सकती हूँ तो आप भी निकल सकती हैं। मैं अपने बच्चों से हमेशा यही कहकर आती हूँ, अगर आज वापस नहीं आई तो समझना अम्मा भी कुर्बान हो गई दादा की तरह। तो हम सब कुर्बान होने के लिए बैठे हैं, आप हमें मार दीजिए, आर्मी आपके पास, मीडिया आपके पास, हुकूमत आपके पास, अथॉरिटी आपके पास, तो फिर किस बात की देर है? आप हमें मार दीजिए, या तो आप हमें बिल लीजिए मिल लीजिए, या आप हमें मार दिए, क्योंकि इससे कम सौदा हम भी नहीं करेंगे। हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय होकर मर जाएंगे, लेकिन अपनी नागरिकता पर आंच नहीं आने देंगे। तो आप जिस तरह बने हैं, मैं बार बार यही कहूंगी, इसी तरह बने रहे, ये हमसे डरे हुए हैं। अरे एक शाहीन बाग से डर गए, इनको जाहिलों को कोई बताओ कि हिंदुस्तान में 350 शाहीन बाग चल रहे हैं, जिसमें दिल्ली में 27 है, 25 जगह मैंने जाकर स्पीच दिए, 25 जगह, 2 नए खुले थे वहां मैं नहीं जा पाई, 25 जगह मैंने दिए। आपको खुद बताया, मैं दूसरी बार आई हूँ, हर जगह मैं 5 बार 7 बार 6 बार ऐसे गई हुई हूँ, तो 25 थे ये। तो ये हम लोगों से डरे हुए हैं, ये वीमेन पावर से डरे हुए हैं, तो ये हमसे डर गए, तो इनसे सोचिएगा हमारे मर्द अगर हमारे सामने आ जाए तो कितना डरेंगे ये। ये हमारे साथ डर की राजनीति कर रहे हैं, ये हमें डराएंगे, आप मत डरिए, गोलियां हमें फिर भी मारेंगे, अगर पुलिस यहाँ पर आ जाती है आपको फिर भी मारेगी, आप मत भागिए, आप सीने पे गोली खाइए, क्योंकि पीछे से गोली जो खाता है बुजिल खाता है। हमें मार दीजिए भाई, हम तो मरने के लिए बैठे हुए, हम तो घरों से कहकर आते हैं, हम पेट भर खाना भी नहीं खाते, लेकिन हम इस बिल को वापस भेजेंगे। पूरी दुनिया में इनकी थू थू हो रही है, अमेरिकन काउंसिल थू थू कर रहा है, UNA में हमारी आवाज उठाई जा रही है, गलत है पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन ये बावले सुधरने को तैयार नहीं, भाई बिल लाएंगे बिल लाएंगे बिल लाएंगे। अगर आप याद करें, जब इनकी 2014 में हुकूमत आई थी तो एक अरुण जेटली साहब थे, इनके बड़े कद्दावर बड़े काबिल थे, अब तो सारे जाहिल लोग जितने हैं वो BJP में हैं, जितने ईमान फरोश हैं वो सारे BJP में हैं, और जितने कद्दावर थे उनको उन्होंने निकाल दिया है। तो अब तो खैर अरुण जेटली साहब भी हवा में लटक गए, निकल गए दुनिया से। तो 2014 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जब ये NRC की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 30 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास कोई ज़मीन नहीं है, यानी वो भूमिहीन है। जब भूमिहीन है तो उनके पास पेपर कहाँ से आएंगे? पट्टकलू पेपर मांग रहे हैं, पेपर दिखाओ पेपर दिखाओ पेपर दिखाओ। 1,45,00,000 लोग जो है बेघर है, जिनका अपना कोई मकान नहीं है। तो इस जाहिल से कोई सवाल करे, जाहिल जब मकान नहीं है तो पेपर क्या तेरे खानदान से लेकर आएगा उठा के चुरा कर, तुम्हारी तरह चोरों की तरह के। 15 करोड़ लोग जो है वो खाना बदोश,
जोश है, जैसे ठेली वाले हैं, बकरी वाले हैं, लुहार हैं जो इधर से उधर होते रहते हैं, तो जब ये बेचारे खुद इनके खाना बदोश है तो इनके पास भी पेपर नहीं है, पर टकलू को पेपर ही चाहिए, फिर भी पेपर 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 कर रहा है। 8 करोड़ लोग जो है वो है आदिवासी सरना ग्रुप को मानते हैं, वो हिंदू नहीं है, वो सरना ग्रुप के हैं और यानी कि प्रकृति की पूजा करते हैं, यानी पानी की, सूरज की, चांद की, पत्तों की, तो उन्होंने जंगल घेर रखे थे। ये इतने खबीस हैं, इन्होंने उनको भी हिंदू मानना शुरू कर दिया ताकि रिजर्वेशन भी खत्म हो जाए और उनके जंगल भी छीन लें, तो उनको भी बिल से बाहर कर देंगे ये। तो जब इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं तो हम पेपर कहां से दिखाएंगे, और पेपर भी कब के मांग रहा है, 24 मार्च 1971 से पहले के। तू दिखा पेपर, तेरे पास है, हमसे पेपर मांग रहा है। अरे हमने वोट करा था, हमने इस वोट से तुम्हें चुना था, अगर हम आतंकवादी थे, गद्दार थे, तो हमारा वोट हमें वापस करो, उसके बाद तुम कुछ भी लेकर आ जाओ। तुम्हें हमने वोट से बिठाया था अपने, अब तुम कहते हो कि हमारा वोट एग्जिस्ट नहीं करता, ड्राइविंग लाइसेंस एग्जिस्ट नहीं करता, आधार कार्ड एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कुछ भी नहीं करता। आधार कार्ड के बगैर आप हमें चवन्नी का सामान नहीं देते हैं, मोबाइल लाइए, वॉशिंग मशीन लाइए, आधार कार्ड, आधार कार्ड, फिर लिखते हैं आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अबे बावले, जब नागरिकता का प्रमाण नहीं था तो तूने बनाया क्यों था? तूने हमारी आंखों का प्रिंट, 10 उंगली का प्रिंट, कान का प्रिंट, ये प्रिंट, वो प्रिंट, क्या क्या 21 हमारी जानकारी हमारी बॉडी की ले ली, फिर भी हम भारतीय नहीं है। और अगर नहीं है तो तुम्हारे महकमे को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, क्योंकि उन्होंने हमारा आधार कार्ड क्यों बनाया, जब हम भगोड़े थे, देशद्रोही थे, तो तुमने क्यों बनाया हमारा आधार कार्ड? ये कहते हैं हम भगोड़े हैं, पाकिस्तान से, यहाँ से, वहां से, तो हमारी फौज का धनिया काट रही है सरहद पे, यानी हम पैसे दे दे कर रहे थे, भैया साइड में हो, जरा हिंदुस्तान में घुस जाऊं, ऐसा कर कर आए थे हम। 56 इंच का सीना इसका चौड़ा होता है, सेना हमारी मरती है, पुलवामा अटैक करवा देता है फर्जी, कहता है नहीं पाकिस्तान ने भेजा था, पाकिस्तान का कबूतर नहीं आता, और 360 किलो RDX आ जाती है। आज तक उन लोगों को इसने चवन्नी फंडिंग नहीं करी, 2.5 करोड़ का, 250 करोड़ का उनका कंपनसेशन हर साल का होता है, नहीं देता। सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पर सबसे ज्यादा डेंजर जोन में हमारी फौज जो है खड़ी हुई है, उनको कुछ नहीं देता, जूते फट गए कहता सीलो, सुई से सीलो, हमारे लिए कुछ नहीं है। 2 करोड़ का सूट पहन के कहता चाय वाला हूं, तो तूने चाय किसको बेची, हमने तो पीनी, किसको बेची चाय, मैं तो 137 करोड़ से पूछ पूछ के थक गई कि भाई तूने चाय किसको बेची। एक बंदा लिया जो कहते हमने मोदी की चाय पी, मैं मान दूंगी बाकी मोदी चाय वाला है। मैंने 137 करोड़ लोगों से पूछ लिया, सब कह रहे नहीं पी नहीं पी, तो तूने चाय किसको बेची ये बता दे भाई, चाय वाला हूँ, चाय वाला हूँ, चाय वाला हूँ। आज जब तू चल चाय वाला है तो तुझे संविधान की क्या तमीज, मेरी गली के नुक्कड़ पे चाय वाला बैठता है उसको तो कुछ नहीं पता संविधान का, तूने संविधान को हमारी ऐसे बना दिया केजी क्लास का, इसने संविधान को ऐसा बना दिया केजी क्लास का बच्चा नहीं होता है, होमवर्क करता है, अम्मा खराब हो गया फाड़ दूं, हाँ बेटा फाड़ दे फाड़ दे, ये संविधान को फाड़े जा रहा है ऐसे करके। तो ये भीमराव अंबेडकर का कानून है, तेरे बाप की होमवर्क की कॉपी थोड़ी हम फाड़ने देंगे, दिखा फाड़ के, नहीं फाड़ने देंगे, हम मर जाएंगे लेकिन फाड़ने नहीं देंगे संविधान, संविधान बचाने निकले हैं हम। तूने 3 तलाकें पास कर दी, दादागिरी से पास कर दी, चल हम चुप रहे। तूने हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली, हम चुप रहे। तू पूरा कश्मीर खा गया, हम चुप रहे। इससे ज्यादा हम नहीं कुर्बानी दे सकते। तूने शर्जील इमाम को पकड़ने पहुंच गए भाई बिहार, शर्जील इमाम ने क्या कहा, गांधी की तारीफ करी थी। तुम्हारा ही नेता कपिल मिश्रा कहता है मुल्ला को काटो, तुम Z+ सिक्योरिटी दे रहे थे उसको। जामिया में 30 तारीख में मैं बनी हुई थी, एक आदमी आता है, लड़का आता है, अच्छा खासा मुस्टंडा 30-35 साल का, कहता है आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, पुलिस वाले आराम से खड़े, बेटा बिरयानी खिलाए, मार मार मार, फिर वो गोली मार देता है, गोली कश्मीरी को लगती है शादाब को, पुलिस वाले कहते हैं बावला था, मतलब वो बावला था तो तुम पहले पकड़ते ना, आप गोली चलाने का इंतजार कर रहे थे उस बावले की, बावला गोली चला ले, बाद में हम इसको बिरयानी खिला के ले लेके जाएंगे, तो इस तरह नहीं होगा। आपने देखा शाहीन बाग पे जिसने हमला करा था उसको भी बेल दे दी, तो ये तो क्रिमिनल की पार्टी है। 33% जो बीजेपी में क्रिमिनल माइंडेड है, सारे रेपिस्ट है, सारे यही है, तो ये तो Z+ सिक्योरिटी रेपिस्ट को ही देंगे, हमें थोड़ी देंगे। आप कांग्रेस भी हमारी नहीं रही एक तरह से देखें, जैसे आप ज्योतिराज सिंधिया के बेटे को देखें, वो उसमें जाके ज्योतिराज सिंधिया जो उसमें मिल गया जाके कांग्रेस में, तो ये एक रूल बनना चाहिए कि जो जिस पार्टी से जीत कर आता है अगर वो दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्य जो है वो खत्म होनी चाहिए। ये थोड़ी
आप पार्टी से जीत कर आए कांग्रेस में कूद गए, आप बीजेपी से जीत कर आए कांग्रेस में कूद गए, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये अब बीजेपी ये ड्रामा कर रही है, छत्तीसगढ़ से इन्होंने निकाल लिया, छत्तीसगढ़ में इनकी हुकूमत आ जाएगी दोबारा। दिल्ली में आपने केजरीवाल साहब से देखा, केजरीवाल साहब ने कैसे करा, लो पानी फ्री, बिजली फ्री, हम कितने कुछ हाय हमें बिजली पानी फ्री मिल रहा है, बड़े खुश थे ना हमारे भैया केजरीवाल कर रहे थे ना। क्या करा केजरीवाल ने, दोबारा सीएम बना, 15 दिन में कहा जाओ मुसलमानों का खून भी फ्री मार लो, 3 दिन दे दिया उसने, मुसलमानों का खून फ्री कर दिया उसने आरएस के दल्लों पर पिल्लों पर, और सबने काटा। और इतनी बुरी, मैं कह रही मारना था मार देते, गोली मार देते, लेकिन इन्होंने गोली नहीं मारी, इन्होंने गर्दनें काट दी, इन्होंने बॉडी पे ऐसे कट लगाए कि जैसे मैरिनेट करते ना चिकन को, इतनी बुरी तरह मारा इन्होंने मर्दों को और औरतों को। तो आप उस जुल्म को सोच भी नहीं सकते। मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रही हूं उस जुल्म देखकर कि मेरा दिमाग खराब, की इतनी बुरी तरह कटे हैं हम। और फिर एक, हालांकि हिंदू मुस्लिम फिसाद नहीं था, ओखला में 4 मंदिर हैं, आप आकर देखिए उन पर बाल बागा नहीं हुआ। ओखला में 4% नॉन मुस्लिम रहते हैं, उनको हमने कुछ नहीं कहा, बहुत रॉयल फैन हैं, कुछ नहीं कहा। जाफराबाद में बहुत सारे हिंदू हैं, हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, 2 मंदिर हैं। तो फिर हमारी मस्जिदें क्यों शहीद हुई, हमारी मस्जिदों में शराब पी गई, कलाम पाक को जलाया गया, इमाम, 2 इमामों को मैं जानती हूँ जिनको मार दिया गया, और उनकी डेड बॉडी नंगी करके घसीट रहे थे सड़कों पर। अब आप ये सोचेंगे वो वीडियो ना तो मैंने बनाई ना आपने बनाई, हम तो मर रहे थे पिट रहे थे, तो वीडियो किसने बनाई, वीडियो भी इन पिल्लों ने बनाई ताकि हमें डरा सके। हम नहीं डरे, हम उतनी शिद्दत के साथ आज भी बाहर हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम नहीं डरते, हम सुप्रीम खुदा से डरते हैं, हम जमीनी खुदाओं से नहीं डरते। हमारी मौत आई है, हम अभी गिरेंगे पड़ से मर जाएंगे, और नहीं आई तो सारी दुनिया हमारे पीछे लगा नहीं मरेंगे। तो आप अपना ईमान कमजोर कर मजबूत कर कर आइए, हिब्बुल बतनी भर कर आइए, मत डरिए किसी मौत से, और मर भी गए तो शहीदी तो होंगे आप मरने के लिए आइए। तो बस मैं यही कहूंगी कि मौत उसकी है करे जिसका जमाना, अफसोस यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। जय कलाम।